राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है एनपीके 0050 और जो हमारा बोरोन होता है 20% वाला। यदि हम इन दोनों को एक साथ मिक्स करके इनका उपयोग अपनी फसलों के ऊपर करते हैं तो हमें किस तरीके से फायदा पहुंचाता है, कितने दिन तक फायदा पहुंचाता है, इनके साथ हम किसी फंगीसाइड को या फिर कीटनाशक को मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते, इनकी रेनफास्ट एक्टिविटी कैसी है, इनके रिजल्ट हमारी फसलों पर कैसे मिल सकते हैं और कौन कौन सी फसलों पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। यदि आपके मन में किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर या किसी भी खाद के ऊपर कोई भी वीडियो बनवाने की मन में है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। बहुत जल्द 2 से लेकर 3 दिन के अंदर उस टॉपिक पर एक वीडियो बना करके मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। बात करते हैं एनपीके 0050 के बारे में। किसान भैया, एनपीके 0050 जो है ये हमारा सल्फेट ऑफ पोटास खाद होता है जिसके अंदर सिर्फ पोटास की मात्रा 50% दी गई है। यदि हम इस स्प्रे का उपयोग अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो यह हमारी फसल के ऊपर, यदि सब्जी वर्गीय फसल है तो उसके फल के आकार को बड़ा करेगा, उसके अंदर वजन बढ़ाएगा, फसल की चमक को बढ़ाएगा, साथ ही साथ किसान भाइयों हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ होगी फसल की वो भी अच्छी तरीके से होनी शुरू हो जाती है। यदि हमारी दाने वर्गीय फसल है तो दाने के जो फुलाव होगा उसे अच्छे से बढ़ाएगा, जो हमारा फसल का तना होता है तने को मजबूत कर देगा, साथ ही साथ यदि मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो गर्मी से हमारी फसल को बचाता है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो सर्दी से हमारी फसल को बचाता है, तो इस तरीके से भी ये कार्य करता है। साथ ही साथ फसल को ओवरऑल जो ग्रोथ होती है उसे बढ़ाता है, फसल को लगातार चमकदार बना करके रखता है। दाना भराव में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका देखने को आपको मिल जाएगी। मान लीजिए आपके गन्ने की फसल है तो गन्ने की फसल के अंदर ये गन्ने की मोटाई को बढ़ाएगा, उसके अंदर सुक्रोज की मात्रा को बढ़ाएगा, जिससे जितना ज़्यादा गन्ना मीठा बनेगा उतना ज़्यादा गन्ने के अंदर वजन भी देखने को मिलेगा। तो गन्ने में ये काफ़ी ज़्यादा फायदे आपके लिए पहुँचा सकता है, तो इसलिए आप एनपीके 0050 का उपयोग कर सकते हैं। इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं तो 1 एकड़ खेत में यदि आपकी छोटी फसल है तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी गन्ने की फसल है तो उसमें आप इसका 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करेंगे तो वहां पर भी ये अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। अब बात करते हैं बोरोन के बारे में कि बोरोन जो 20% में हमारा आ रहा है, जो वाटर सोल्यूबल खाद है, इसके हमें क्या फायदे देखने को मिलेंगे। मान लीजिए किसान भाइयों, आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर रही है, अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, आपके फल हैं वो फट जाते हैं, गन्ना है वो बीच में से फट रहा है, या दाने का जो भराव है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें यदि इस तरह की आ रही हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी फसल के अंदर बोरोन की कमी है। कुछ इमेजेस, कुछ पिक्चर्स मैं साइड में लगा रहा हूं, इन्हें देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके फसल के अंदर बोरोन की कमी आ गई है, तो बोरोन का आपको उपयोग कर लेना चाहिए। यदि आप एनपीके के साथ में बोरोन का उपयोग करते हैं तो इससे हमारी फसल की ग्रोथ और भी अच्छे से हो जाती है और फल और फूलों का साइज भी किसान भाइयों अच्छी तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसकी यदि मैं मात्रा की बात करूं तो किसान भैया प्रति एकड़ आप लगभग 100 से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए एनपीके की मात्रा आपने 1 किलोग्राम ली तो आप बोरोन की मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, और एनपीके की मात्रा आप लेते हैं 1.5 किलोग्राम तो आपको जो हमारा बोरोन है इसकी मात्रा 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। बहुत ही शानदार और अच्छे रेट ये निकाल करके आपको देगा। बात करते हैं इसके रिजल्ट टाइम की कि कितने दिन तक हमारी फसलों पर रिजल्ट निकाल करके देगा। मान लीजिए आज आप इसका स्प्रे करते हैं तो आज स्प्रे करने से लगभग 14 से लेकर 15 दिन तक ये हमारी फसलों पे अच्छी तरीके से रिजल्ट बना करके देगा। हमारी फसल की जो सहायता है उसे ये 15 दिन तक करके चलता है। बात कर लेता हूँ उसकी रेनफास्ट एक्टिविटी की। यदि अभी आपने इसका स्प्रे किया और स्प्रे करने के यदि 4 से लेकर 5 घंटे के बाद बरसात होती है तो ये आपको 90% रिजल्ट निकाल करके दे देता है, और यदि 12 घंटे के बाद बरसात आती है तब आपको 100% रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। जब भी आप इन दोनों का स्प्रे करें, या तो आप शैम्पू की सहायता लें या फिर आप चिपको या स्टिकर इसके अंदर मिलाएं, जिससे कि लंबे समय तक और भी शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल सके। बात करते हैं क्या इसके साथ हम किसी फंगीसाइड को या इंसेक्टिसाइड को मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। तो जी हाँ, बिल्कुल आप इसके साथ इंसेक्टिसाइड मिला लीजिए, कोई भी साइड इफेक्ट ये आपको निकाल करके नहीं देगा, अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर यदि आपको सिर्फ फंगीसाइड मिलाना है तो सिर्फ आपको फंगीसाइड मिलाना है, उसके अंदर फिर इंसेक्टिसाइड नहीं मिलाना है, यानी कि या तो आप सिर्फ फंगीसाइड इसके अंदर मिला लीजिए तभी अच्छे रिजल्ट आपको देगा, या फिर सिर्फ आप इंसेक्टिसाइड इसके अंदर मिला लीजिए तभी आपको अच्छे रिजल्ट निकाल करके देगा। तो इस तरीके से इसकी
कार्य प्रणाली चलती है। तो किसान भैया पूरी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं एनपीके 0050 के बारे में भी और बोरोन के बारे में भी। ध्यान दें जब भी आप इनका स्प्रे करें शाम को यदि 2 से 3 बजे के आसपास में इसका स्प्रे करेंगे तो और भी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और स्प्रे करते वक्त किसान भाइयों साफ पानी का उपयोग करें जिससे कि आपको और भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं।